वो है किन्नर कैलाश की माउंटेन रेंज। किन्नर कैलाश खुद है स्वयं सबसे ब्यूटीफुल और सबसे डेंजरस रास्ता है भैया ये किन्नौर का। तो गाइस देखिए अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है ताजा। भगवान का नाम लेके गली में गाड़ी घुसा देते हैं। मैं सच में मिस कर देता भैया, बहुत ज्यादा बड़ा मिस कर देता मैं कल। हवा इतनी तेज चल रही है ना यहाँ पर आते ही। और अब भाई साहब ठीक है भाई, बाय बाय। बहुत अच्छी ट्रिप रही अपनी और साथ में धमाल करेंगे कभी और वापस। बिल्कुल भाई, बाय। तो भैया सब रेडी है इधर। ये छोड़ दे भी तेरे को। तो आज चिक्की जी का बर्थडे है तो कमेंट बॉक्स में भैया लाइन लगा देना बर्थडे विश की। भाई साहब गाड़ी की हालत देखिए, दूर से आपको नहीं दिख रही होगी पूरी, ये देखो लग रहा है, अब लग रहा है स्पीति जाकर आए, स्पीति रिटर्न। टेंट वेंट सब भैया भूत बन गए इस बार तो, ऐसी टैनिंग हो गई। देखो चेरी के भी होठ फट गए, सबके होठ फट गए है ना। सामने का व्यू देखिए गाइस, पूरे स्नो के माउंटेन। भैया अब तो मन भर गया स्नो देख देख के। और इधर क्या हो रहा है भाई, सुबह सुबह नाको के लोकल एप्पल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिकोंगपियू, कल्पा, किन्नौर, जो भी आप समझो। तो भैया रात को बज गई थी हमें 11:30, आंखें यू खोलनी पड़ रही थी हमें, ऐसी हालत हो गई थी। दीपक भाई, सुनील भैया को बोला भाई अब या तो रुक जाओ कहीं पे या होटल दिला लो। तो आज आपको लेके चलते हैं कल्पा की खूबसूरत वादियों में। 3 पॉइंट हमारा टारगेट है। सबसे पहले आप लोगों को कराएंगे किन्नर कैलाश के दर्शन लाइव, बिल्कुल सामने माउंटेन रेंज जो है ना किन्नर कैलाश, बहुत ही फेमस है भाई और पता नहीं ऊपर तक तो कब जाना होगा। उसके बाद है भैया सुसाइड पॉइंट, गलत मत समझना, उसका नाम ही सुसाइड पॉइंट है, कोई मरा नहीं आज तक वहां पर, लेकिन इतनी ज्यादा हाइट है ना वहां पे खड़े रह के फोटो क्लिक करवाना, नीचे देखना ही अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत एक्सपीरियंस है। और तीसरा पॉइंट है, यार मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ ना, और तीसरा पॉइंट है वहां पे एक लोकल देवता का मंदिर है, मुझे अभी नाम नहीं पता, वहां पे जाके आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भैया। तो गाइज हमने सुना है कल्पा का रास्ता भी मोस्ट डेंजरस रस्तों में से एक है, मतलब आगे जाके इतना ज्यादा सकड़ा हो जाता है ना, मतलब दो गाड़ियां भी आपस में क्रॉस नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कितना डेंजरस है। और देखिए अगर बस आ रही है ना वहां पर भैया तो कोई से भी गाड़ी जा सकती है। करीब जहाँ से हम रुके थे वहां से 6 किलोमीटर रास्ता बताया, लेकिन 6 किलोमीटर में भी यार ये 25 से 30 मिनट का टाइम बता रहे हैं, ऐसा क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस हिसाब से तो भैया रास्ता बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाला है। वो ऊपर कल्पा ही दिख रहा है भैया, इतना ऊपर है क्या, सारे पहाड़ अब तो एक जैसे लगने लग गए मुझे। कहीं पर भी जाओ ना नयापन लगता ही नहीं है। ये मेन चौराहा आएगा रिकोंगपियू में, इधर से कल्पा है 6 किलोमीटर ऊपर, यहाँ से रोड बहुत पतला होने वाला है भैया। चिकी चाय पियोगे, हाँ ना का तो काम ही नहीं अपने। तो मैं आपको यहाँ पे आने का रीजन बता दूँ, रात को ऐसा कुछ सीन हुआ, मैं रास्ते में कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली रुकने के लिए, और इन भाई लोगों को कल्पा एक्सप्लोर करना था लेकिन मुझे नहीं करना था, सच बात बोलूँ तो बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि भैया यहाँ से किन्नर कैलाश के बिल्कुल क्लियर दर्शन होते हैं तो भैया यहाँ मैं पिघल गया यार, चढ़ाई तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, एकदम खड़ी चढ़ाई है गाइस, आपको कैमरे में इतना नहीं लग रहा होगा। तो भैया बच्चों को तो हमारे रोलर कोस्टर वाला सीन याद आ गया यहाँ पे। गाइस रोड की बात करें तो रोड तो एकदम शानदार है, मक्खन है, और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, पतला इतना अभी तक मुझे नहीं लगा क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ऑलरेडी आ रही है। देखो चढ़ाई तो भाई साहब आपको फुल टॉर्क में चढ़ानी पड़ेगी एक बार की, मेरे हिसाब से 40 से 45 डिग्री तक की चढ़ाई है भाई यहाँ पर। और सामने देखे जी पूरे स्नो से कवर्ड माउंटेन, इन्हीं के पीछे शायद मेरे हिसाब से चितकुल है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना रास्ता सकड़ा होता जा रहा है सच में, लेकिन अभी भी इतना है कि दो गाड़ियां आराम से निकल जाए, कोई बड़ी गाड़ी सामने से आ जाए ना। भाई साहब व्यू देखिए गाइस सामने से, मुझे नहीं पता इसमें से किन्नर कैलाश वाली रेंज कौन सी है, शायद और ऊपर जाने के बाद दिखेगी। कल्पा है जी यहाँ से सही 1 किलोमीटर, रोगी और पांगी, मतलब उसके आगे भी पांगी विलेज है, पांगी पे जाके मेरे हिसाब से डेड एंड रास्ता एंड हो जाता है, उसके आगे कोई विलेज नहीं है। चिक्की बोल रही है यार स्पीति में इतना उजाड़ देख लिया अपने को, हरियाली देखने के लिए तरस गया, और यहाँ पर इतना ग्रीनरी देख के इतना अच्छा लग रहा है। बोला देख हर जगह की अपनी वाइब होती है, स्पीति वाली जगह ये नहीं ले सकता और यहाँ वाली जगह स्पीति नहीं ले सकता। गाय
गाइस इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अभी हमारी गाड़ी खड़ी है और ऊपर देखो सबसे ऊंचा वाला जो आपको चोटी दिख रही है वो है किन्नर कैलाश की माउंटेन रेंज। किन्नर कैलाश खुद है स्वयं और उसके नीचे हमारी गाड़ी है। मतलब इतना बढ़िया पोज आ रहा है ना। लाइए जी बिस्किट दीजिए एक दो, पेट में कुछ तो जाए। तो चलिए जी चाय नाश्ता हो गया, रील शील बन गई, बाबा के दर्शन हो गए। इसके बाद लेके चलते हैं आपको सुसाइड पॉइंट पर। भाई गलत मत समझना, उसका नाम ही सुसाइड पॉइंट है। हालांकि किसी ने सुसाइड नहीं करी है वहां से, अगर करेगा तो बचेगा नहीं इतना कह सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको गाइस, दीपक भाई को भी हमने बाय बाय कह दिया और वापस हम ज्वाइन हो गए आपस में सब। भाई यही होता है कनेक्शन सब भाई लोगों का, क्योंकि हम भी आधा एक घंटा तो हमें चाय पीने में लगी गया था, फोटो शोटो क्लिक करवाने में। तब तक उनका फोन आ गया कि भाई कहाँ तक पहुंचे, एक्सप्लोर तो चारों को ही करना था कल को। एक्चुअल में करना उन्हीं को था, हम तो ग्रेस पीरियड में आ गए भैया यहाँ पर। गाइस यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला है भैया कल्पा इतना खूबसूरत क्यों बोलते हैं। मैं सच में मिस कर देता भैया, बहुत ज्यादा बड़ा मिस कर देता मैं कल, अगर यहाँ पर नहीं आता ना, अगर सुबह में निकल जाता ना। तो हमारे दीपक भाई यहाँ पर रुके हैं कुछ खाने पीने, देखते हैं हमारा भी कुछ माहौल बनता है। तो पी तो लिया हमने, खाना बाकी है। भाई साहब सामने का नजारा मैं मिस नहीं करना चाहता, बार बार मेरी आंखें नजरें नहीं हट रही, मतलब सामने से इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा। गाइस देखिए ये है मेन कल्पा और शायद बीच में वो जो दिख रहा है वो मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर दिख रहा है लकड़ी का बना हुआ। और क्या बताऊं आपको, मतलब कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है यार, कितना ज़्यादा। ये देखिए ओवरऑल आप देखिए, और ऊपर सामने है जी किन्नर कैलाश। हो सका तो अभी और पास में से दिखाएंगे आपको। तो गाइस फाइनली अब जाके महादेव के दर्शन हुए, मैं कैमरे से एक बार फोटो लेने की कोशिश करता हूँ, वीडियो तो मेरे हिसाब से आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा दूर है। गाइस अब देख लीजिए हमारे महादेव तो पूरे बादलों में छुप गए, वो भी बोल रहे होंगे भाई शूट करने आए हो मेरा या दर्शन करने आए हो, दर्शन करो और आगे चलो। तो उम्मीद है आपको थोड़े बहुत मैं दर्शन कराने में सक्षम रहा हूँ। भाई लोग जब तक नाश्ता कर रहे हैं तब तक दूसरे पॉइंट को अपन कवर करते हैं, क्योंकि हमें बहुत आगे निकलना है भाई, आज समय की थोड़ी सी कमी है। तो चलिए चलते हैं सुसाइड पॉइंट, दिखाते हैं आपको। भाई मेरी तरफ से, हमारी तरफ से 100% रिकमेंड है कल्पा, बहुत ब्यूटीफुल गांव है भैया। सुसाइड पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, सीधा 2.5 किलोमीटर। भाई जिस रास्ते की बात भाई लोग बोल रहे थे ना, शायद ये वही रास्ता है, लेकिन ये अब डामर का बन चुका है, शायद पहले कच्चा होगा लेकिन सकरा बहुत है भाई। मतलब दूसरी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती जब तक आपको बीच में ऐसा कुछ हल्का सा जगह ना मिले ना, बहुत पतला रास्ता है और ऊंचा भी काफी है। क्या व्यू है यार, क्या हरियाली, चिक्की इतने दिन बाद हरियाली देखने पर अच्छा लग रहा है ना। और ये आ गया जी सुसाइड पॉइंट, चेतावनी, यहाँ गिरते हुए पत्थरों से दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया सावधान रहे और ज्यादा देर ना रुके। कौआ और आई लव किन्नौर का बोर्ड भी है भैया। तो फटाफट गाड़ी लगाते हैं साइड में। हाँ चिक्की जी, जन्म दिवस वाले दिन कुछ एडवेंचर करने का मूड है क्या? चलो करते हैं। चलो करते हैं, ये सुसाइड पॉइंट है पता है आपको? हाँ। तो गाइज ये तो हो गई मजाक की बात, इसको सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं किसी को नहीं पता आज तक, बस नाम रख दिया किसी ने। ऐसा मतलब ऑफिशियली कहीं पर लिखा नहीं है कि यहाँ पर सुसाइड हो रखी है, मतलब किसी ने की है। मैं दिखाता हूँ एक बार, मतलब मुझे डर भी लग रहा है। लिखा हुआ तो सब नाम लिख के चले गए यहाँ पे सबने। देखो भैया ये जो हरकतें करी है ना भाई, घनी ओछी हरकत है भाई, घनी ओछी। आप प्रकृति को ऐसे खराब करते हो, स्प्रे का नाम लिख के क्या साबित करना चाहते हो भाई, आपको भला लगे बुरा लगे लेकिन ये चीज गलत है भैया, ये चीज मत किया करो। और अब दिखाता हूँ जी यहाँ पे रेलिंग लगा दी, वैसे मैंने वीडियो में रेलिंग नहीं देखी थी। और अब भाई साहब वो नीचे देखो ट्रक में, और जूम करता हूँ, ये देखो कितना सा वो ट्रक जा रहा है ना, कितना सा लग रहा है भाई, ये मेन रोड है नीचे वाला। हो 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 हो, बहुत ही गजब, ये देखो कितना गहरा है गाइस। इसकी जो गहराई है ना 1000 फुट से ज्यादा बताते हैं। ये देखो वो सामने मेन रोड दिख रही है आपको, ये मैंने पूरा 10x जूम कर रखा है गाइस मोबाइल को, देखो
तो चलिए जी, अब दर्शन कराते हैं आपको ब्रह्मा विष्णु मंदिर के। लास्ट पॉइंट वही है आज का हमारा। तो ये शॉर्टकट में 2 घंटे वाला हमने कल्पा एक्सप्लोर किया है, लेकिन अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मैं कम से कम आपको एक दिन पूरा दिन यहाँ पर स्टे करने का बोलूंगा भाई। सबसे बेस्ट जगह लगी, अगर आप जैसे स्पीति जा रहे हैं ना, तो आप शिमला नारकंडा के बजाय यहाँ पर स्टे करिए भाई, बहुत अच्छी वाइब आएगी आपको यहाँ पर। ठीक है बिग ब्रदर, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस, जल्दी मिलेंगे और धमाकेदार ट्रिप करेंगे कोई। ठीक है, ओके दीपक भाई, एक बार वापस से बाय बाय। तो चलिए जी, यहाँ से हम सबका रास्ता अलग अलग है, हम लोग अकेले जाएंगे, दीपक भाई और सुनील भाई साथ में जाएंगे और वीरेंद्र भाई अपने रास्ते जाएंगे। तो बच्चों को भूख लगने लग गई यहाँ पे, तो भैया के ढाबे की बहुत तारीफ सुनी हमने। गाइस आप लोग भी यहाँ पे रुक सकते हैं, आलू का पराठा भाई का शानदार वाला एस के ढाबा, ये देखिए। और यहाँ पर गोल्डन एप्पल लिया है मनसा ने खाने के लिए, है ना। आप लोग भी पेटी ले जा सकते हैं, काफी सस्ता है, 500 रुपए की पेटी देते हैं भैया। हाँ आपको भी चाहिए, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। नॉर्मल एप्पल से थोड़ा अलग टेस्ट है इस वाले एप्पल का। तो यहाँ पर आ गया जी हमारा बाहुबली पराठा विद मक्खन और दही, क्या बात है भैया, मजा आने वाला है। चेरी कैसा लगा? टेस्टी है ना, चेरी को ऐसे ही पसंद है, कम मिर्च मसाले का, मिर्ची तो है ही नहीं इसमें, और एकदम नॉर्मल कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है भाई। तो चलिए जी, पेट भर के पराठा खा लिए, बटर वटर दही चकाचक एकदम। और अब मेरे हिसाब से लंच की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:30, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, और हमें कुछ काम है बीच में, वहां पर भी करते हैं। लेकिन उससे पहले अब आपको दिखाते हैं यहाँ का फेमस मंदिर, ब्रह्मा विष्णु मंदिर। तो अब कराते हैं आपको, सॉरी ब्रह्मा विष्णु मंदिर नहीं था, ब्रह्मा जी का तो हमारे पुष्कर में एक ही मंदिर है, विष्णु नारायण मंदिर था। भगवान का नाम लेके गली में गाड़ी घुसा देते हैं भाई, अपने को ऐसी गलियों में बहुत डर लगता है। ये है असली चौक कल्पा का। भैया इधर पार्किंग कहाँ है गाड़ी की? आगे मंदिर भी आगे है? मंदिर यहाँ से है। अच्छा जी, ओ भाई कहाँ कहाँ घुसाएंगे ये। भाई असली कल्पा तो यहीं पर आके दिखेगा आपको, जो पुराना कल्पा है ना। सर कितने साल पुरानी होगी दुकानें वगैरह, ये जो बन रखी है काफी पुरानी दिख रही है। बाकी गाइस इस बार जो हमारा कैंपिंग के साथ जो एक्सप्लोर किया है ना हमने जगह को, भाई असली एक्सप्लोर इसे कहते हैं, बहुत आनंद आया। और ये आ गए जी हम यहाँ के पवित्र विष्णु नारायण मंदिर। शिवाय के हाथ नहीं आ रही इसलिए इरिटेट हो रहा है वो। ये वाला आपके साइज का ये रहा शिवाय? शिवाय ये वाला भाई बाहर से दर्शन करना पड़ेगा अभी, तो पट बंद है यहाँ पर, कब खुलेंगे पता नहीं कुछ भी, अभी मंदिर ऑफिशियली बंद है। बाकी वुडन का जो काम किया भाई बहुत अच्छी है, और बहुत ही प्राचीन मंदिर लग रहा है यहाँ का। क्या बात है शिवाय हमारा दुख देने में भगत आदमी है। तो भगवान के पट खुलने की दिनांक वगैरह तो पता नहीं है यहाँ पर क्या हिसाब किताब है, फिलहाल ऑफिशियली बंद था मंदिर, लेकिन बाहर से हमने दर्शन कर लिए। और सच में जो यहाँ की स्थापत्य कला है, यहाँ की जो वास्तुकला है भाई, अल्टीमेट है वुडन का काम। विष्णु नारायण मंदिर दिखाने के बाद गाइस अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये शायद मुझे मोनेस्ट्री टाइप कुछ लग रहा है, क्योंकि ये जो गुड लक व्हील्स है ये भी है। हवा इतनी तेज चल रही है ना यहाँ पर आते ही, इतना हाइट पर है।
चेरी आपका एडमिशन यही करा दूं? नहीं। क्यों? अरे इतने सुंदर सुंदर बच्चे मिलेंगे आपको, फ्रेंड मिलेंगे, देखो पहाड़ों के अंदर स्कूल। ये माता रानी का मंदिर है गाइस, आदिशक्ति देवी, चंडी का किला। आपको अगर इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो इसे स्टॉप करके देख लेना वीडियो को। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। वैसे यहाँ भी हमें पटबंद ही मिले और करीब करीब जो चितकुल में हमने माता का मंदिर देखा था सेम वैसा ही इसकी बनावट है। हाय हाय। और शिवाय को उसकी फ्रेंड मिल गई भी है यहाँ पे आती। शिवाय देख छोटा सा बेबी, हेलो। बात करने के मूड में नहीं है, क्या नाम है आपका? जय माता दी। धोख दे दिया? आपकी फ्रेंड बन गई क्या यहाँ पे छोटी सी? ये देखो कितनी क्यूट सी बच्ची मिली यहाँ पे, और शिवाय की दोस्ती हो गई। आज हुआ है कल्पा, मतलब पहली बार ही आए, आज हुआ है कल्पा अच्छे से एक्सप्लोर। माता रानी का मंदिर भी देख लिया, विष्णु नारायण जी का मंदिर भी देख लिया, और आपको सुसाइड वो क्या बोलते हैं, सुसाइड पॉइंट भी दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको हिंदू और बौद्ध धर्म का समन्वय मिलेगा एक साथ। मोनेस्ट्रीज भी है, इस्पुतास भी है। ये है कल्पा का मेन चौक, यहाँ से चौराया है, ऊपर की तरफ शायद होटल्स वगैरह है। इधर मेन रोड आ गया और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, भाई लोग शायद निकल चुके हैं। तो चलिए जी कल्पा को कहते हैं बाय बाय। मेन रोड इधर से आते हैं जी, थैंक यू गाइस। सच में मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ ये बात, कल्पा आने का हमारा बिल्कुल भी नहीं था। और सच में अगर यहाँ पर नहीं आते ना हम सुबह 6-7 बजे निकल जाते ना, बहुत ही बड़ा मिस कर देते। हालांकि हमारा आधा दिन हालांकि हमारा पूरा आधा दिन लग चुका है, लेकिन भैया वर्थ है आधा दिन यहाँ पे। हाँ, दो दिन रुको आप आराम से, और रुकना है ना तो कल्पा के अंदर, मेन विलेज के अंदर रुकना भाई। सुबह शाम की जो वाइब आएगी ना यहाँ पर, जो लोग बाग है ना, सच में आपको ऐसा लगेगा कि अलग जगह आ गए हो। और ये वापस से आ गए जी हम रिकांगपियो, काफी बड़ी सिटी है गाइस रिकांगपियो। मैं तो छोटी सी समझ रहा था यार ऐसे, मतलब नाम के हिसाब से, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये किन्नौर पूरे जो जिला है ना डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है भाई, हेडक्वार्टर। मतलब किन्नौर नाम की अपने आप में कोई जगह नहीं है, जो भी मैनेजमेंट होता है ना वो यही से होता है। गाइस क्या सीन है भाई, क्या सीन है, ऊपर तिरंगा देखिए अपना। देखिए जी पूरी सिटी दिख रही होगी आपको रिकांगपियो, एक बार वाइड एंगल में दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए काफी बड़ी सिटी है भाई, हल्के में मतलब ना भैया रिकांगपियो बोलते हैं इसको। और ये आ गया जी मेन मार्केट, सामने एंटर होते ही जो आपको आएगा मेन चौराहा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर है रेड लाइट है भाई, इधर ग्रीन लाइट होने का अपने को वेट करना पड़ेगा। तो सामने जो आपको ऊपर पहाड़ दिख रहा है जी, स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, और वही किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज है। आपको महादेव के भी दर्शन करा दिए हमने, अब देखते हैं भाई। आज तो लेट हो चुके हैं, आज रात तक हमें लुधियाना पहुंचना था, लेकिन मेरे हिसाब से अब पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कहां तक गाड़ी खींच पाते हैं, बीच में कोई अच्छी जगह दिखी तो डेरा डाल देंगे वहीं पर। और वापस आ गया है जी वही डेंजर पहाड़ों वाला रास्ता। डेंजर तो क्या है, मतलब पहाड़ डेंजर तो होते ही लेकिन खूबसूरत भी होते ही, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। शायद वो सामने जो गाँव दिख रहा है वही है सरांड, जहाँ पे सुनील भाई रुकने की बोल रहे थे, लेकिन भाई अब टाइम गया, 10 दिन हो चुके हैं, अब होम सिकनेस होने लग गई है। और भैया हाई कोर्ट का भी जो फैसला है ना वो आने वाला है, जल्दी से घर पहुंचो। गाइस देखिए कैसे पहाड़ों को काट काट कर बनाया भाई, गजब रास्ता है। ये वाला रास्ता सबसे ज्यादा एडवेंचरस है इसका, मतलब ऐसे तो पूरा रास्ता ही है। और अब आने वाला है थोड़ी देर में करछम डैम, और ये आ गए जी फाइनली हम करछम डैम। इसका हमने आपको चितकुल वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया था, काफी अच्छी लोकेशन है गाइस। और इसी के थोड़ी दूर आगे टापरी विलेज भी आता है, वो भी आपको दिखाया था, और उसके आगे हमने कैंपिंग की थी। तो आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और वो वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सामने आ गया है जी ट्रक, अरे रुक जा भाई ये तो लाया जा रहा है। बाकी एक बात है गाइस, यहाँ पे साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखा गया है, मतलब रोड पे एक कचरा नहीं मिलेगा आपको, और रेगुलर हर 1-2 किलोमीटर पर झाड़ू निकालते हुए दिख जाएंगे, मतलब कोई ना कोई लेडीज या जेंट्स जो भी है। अगर आप पहली बार इस रोड पर आ रहे हो ना गाइस, पर्टिकुलर इसी रोड की बात कर रहा हूँ मैं टांडर रंग की, तो भैया रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देख के, ऐसा रोड है ये। आगे जाके देखना कोई कोई तो बिल्कुल पहाड़, देखो सामने जो दिख रहा है ना पहाड़ को पूरी काट के लाइन बनाई है। ये देखिए गाइस, ये देखिए मतलब कैसे लटकी हुई है ऊपर कुछ नहीं पता, ये देखो इतनी बड़ी है ना। और यहाँ से जो कटिंग करी है भैया पहाड़ों की, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे डेंजरस रास्ता है भैया ये किन्नौर का, मतलब बहुत से लोग तो केवल ये रास्ता देखने ही आते हैं। और ये आ गया है जी टांडा माता का मंदिर, जिसके नाम पर ये रास्ता रखा है। गाइस इधर तो अच्छी खासी बारिश आई है यार, हर जगह पानी पानी भर रखा है,
और वैसे ये अच्छी बात नहीं है, बारिश के टाइम में ये रोड बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है यार। तो हम भी अब धीरे धीरे चला रहे हैं गाड़ी, फिर देखते हैं आगे क्या है। लो जी वापस आ गए इस रूट के जो किन्नौर द्वार है ना, मतलब जहाँ से हम शुरुआत मानते हैं स्पीति के रास्ते की। भाई साहब देखो कितने क्रेजी है लोग, ग्रुप के ग्रुप अपना वेटिंग का नंबर लगाते हैं इस जगह। आप भी बोर हो गए होंगे हमें देख देख के कि ये भी आते जाते रुक जाता है यहाँ पे। अच्छा खुशी हुई है, सही है सही है। कमाई हो रही है, हमको दुख होगा। नहीं बात कमाई की थोड़ी ना होती है, हाँ इंसान की होती है। ऐसे तो सोचे ना आते रोज इनके पास। तो भैया बारिश आ गई और गर्मा गर्म चाय यहाँ पर, इनको तो पहचान ही गए होंगे आप। ओ मोमोज नो मीडिया। किन्नौर गेट पर जब भी आओ यहाँ पर जरूर रुकना, एक से एक आपको यहाँ के लोकल जो डिशेज होती है ना उनको एक्सप्लोर करने का भैया चांस मिलेगा। मोमोज वोमोज तो सभी खाते हैं, ये चीजें जरूर खाना। सिड्डू बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग। ओके जी बाय बाय। तो चलिए जी अब फाइनल वाला बाय बाय हो गया है, सुबह से एक दूसरे से बाय बाय कर रहे हैं। तो सिड्डू खा लिया, चाय पी ली गर्मा गर्म, और आप लोग भी यहाँ पे रुक सकते हैं भाई, बहुत ही अच्छा नेचर है सब दीदी लोगों का। और यहाँ पर देखिए जी कैसे पहाड़ों को काट काट के हम लोगों के लिए रास्ता बनाया है। तो गाइस देखिए अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है ताजा ताजा, और ये हाथों हाथ से मिट्टी हटा के रोड साफ कर रहे हैं। बहुत बड़ा वाला हुआ है यार, पूरा रोड का रोड देखो नीचे की तरफ गिर गया है। चले जी फाइनली 20 मिनट के इंतजार के बाद रास्ता खोल दिया है। इस मामले में तो सर्विस बढ़िया भी है हिमाचल की। गाइस रोड तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, मतलब अभी का जो माहौल है ना, मतलब जो टाइम है ना, बहुत इतना पॉजिटिव वाइब आ रही है ना गाड़ी चलाने में, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस गाड़ी चलाने में। तो फाइनली हम आ गए जी नारकंडा, और यहाँ की वाइब भाई अलग आ रही है, अलग सी चमक आ रही है यहाँ पर। रात के टाइम नारकंडा हमने कभी देखा नहीं है, और सच में ये दूसरे हाईवे से लेकर आई है, लेकिन जो भी हाईवे था भाई बहुत ही शानदार हाईवे था, मजा आ गया। ना तो ट्रैफिक था ना कुछ और, एकदम शांति और बिल्कुल नया रूट था भाई। देखिए गाइस हमारे अभी चारों ओर इतना बादल ही बादल है, सामने का तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लाइट वगैरह इतनी बड़ी बड़ी हेलोजन चल रही है फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, देखो कितने बादल आ गए, देखिए गजब मौसम हो रहा है भाई शिमला में तो। और ये आ गई जी विक्ट्री टनल, विक्ट्री टनल मुश्किल से मुश्किल 20 मीटर की है, और यहाँ से हम ले लेंगे जी राइट, और फाइनली हम ऑफिशियली आ गए शिमला से बाहर। बताओ यार ये आया पायलट भाई, यहाँ के लोकल्स कोई कोई तो ऐसी गाड़ी चलाते हैं ना खतरनाक। जीरो विजिबिलिटी है गाइस, जीरो विजिबिलिटी, 10 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है अभी। हाँ भाई मम्मा की पार्टी सेलिब्रेट करने आए हो क्या, शक्लें देखो इनकी कैसी हो गई, स्पीति रिटर्न। और आप चेहरी का तो पूरी ऐसी टैनिंग हो गई ना बच्ची के, हाँ होठ वोट सब ऐसे हालत खराब हो गई। चेहरी शिवाय ये आज के आखिरी कस्टमर हम ही थे गाइस यहाँ के। तो चलिए जी अब गाड़ी खेसते हैं और सीधे मिलते हैं आपको मनसा देवी टेम्पल। और ये आ गया जी हमारी मनसा देवी सिंह द्वार। यहाँ आते भैया अजीब सी फीलिंग आती है, अपनापन सा लगता है,